हे गाइस, वेलकम बैक टू कुकर पेक विद रश्मि। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों का फेवरेट एंड ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप का ये फेवरेट होता है एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक। ये जो केक होता है ये पूरा चॉकलेट से बनाया जाता है, इसमें कोई भी क्रीम यूज़ नहीं होती। तो चलिए इसका सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका चॉकलेट गनाश बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से तपीले में पानी थोड़ा बॉईल करके रख दिया है और डबल बॉयलर के मेथड से मैंने यहाँ पे पूरा 400 ग्राम मैंने यहाँ पे जो चॉकलेट डार्क कंपाउंड है वो मेल्ट कर रही हूँ। ये जो गनाश की रेसिपी है मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मगर इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये गनाश बनाते वक्त हम इसमें जो क्रीम डाला जाता है उसकी क्वांटिटी हम लेस डालेंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा थीक इसमें रखना है जिससे कि हम हमारे केक को अच्छी तरीके से बाइंड कर सकें। सो ये 250 ml में से मैंने अराउंड सिर्फ 150 ml ही यहाँ पे डाल रही हूँ, जिससे हमारा जो गनाश है वो थीक कंसिस्टेंसी में बने। सो इसे अच्छी तरह से मिला के मैंने साइड में रख लिया है। आप गनाश की डिटेल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 10 इंच का बोल लिया हुआ है, इसे हम इस तरह से स्टिक कर लेंगे कि हमारे टर्न टेबल से ही बिल्कुल भी हिले ना। और अभी मैंने ये जो चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी किया है इसकी भी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है, ये टोटली एगलेस है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये मैंने 8 इंच का 1 kg का मैं ये केक बना रही हूँ। सो अभी हम इसे 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। आप चाहिए तो इसे 2 लेयर्स में भी कट सकते हैं, इस टोटल डिपेंड है अपॉन यू कि आपको ये 3 या 2 लेयर्स में कट करना है। मैंने यहाँ पे प्रिफर किया है 3 लेयर्स में। सो ये हो चुके हैं हमारे 3 लेयर कट। अभी हमारा जो लास्ट लेयर था उसको मैं पानी से सोक कर रही हूँ, ये नॉर्मल वाटर है, आप चाहिए तो शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, मगर ये ऑलरेडी मैं चॉकलेट गनाश के साथ बना रही हूँ, ट्रफल है, मीठा ज़्यादा ही रहता है, सो मैंने यहाँ पे शुगर सिरप नहीं लिया हुआ है, जस्ट अ प्लेन वाटर लिया है। सो अभी आप देख सकते हैं ये जो गनाश मैंने बनाया था वो अच्छी तरीके से रेस्ट होने के बाद एक बहुत अच्छे से ठीक हो चुका है, बस इसी तरीके से हमें चाहिए। सो अभी हमने सिरप स्प्रे करने के बाद यह अराउंड 3-4 स्पून हम इसमें डाल लेंगे स्पॉन्ज पे, और पैलेट नाइट की हेल्प से अभी हम इसे राउंड मोशंस में बहुत ही ऐसे से हम घुमा लेंगे, इसको स्प्रेड कर लेना है। सो हमारी जो नाइफ है इसे हमें बहुत ही हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना है, ये आराम से स्प्रेड हो जाता है। सो अभी जो लेफ्ट ओवर जो स्पॉन्ज है वहाँ पे थोड़ा कम गिर गया है, तो इसमें मैं और थोड़ा सा चॉकलेट गनाश ऐड कर रही हूँ, बस इसी तरीके से अभी इसको भी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। तो चलिए हमारा जो गनाश है इसका फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुका है, अभी इस पर हम हमारा जो सेकेंड लेयर है केक का वो इस पर रख लेंगे। सो ये रखते वक्त थोड़ा सा मेरे इससे पॉइंट टू पॉइंट नहीं रहा है अच्छी तरीके से, सो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि इसको एडजस्ट कैसा करना रहता है। इसे एक बार हम स्प्रे कर लेंगे अच्छे से, और अभी जो हमारा साइड का जो पार्ट है जो बाहर आ चुका है उसे हम एक क्लीन सीजर के साथ कट कर लेंगे, जितना पार्ट थोड़ा बाहर आ चुका था। सो ये हमारा कट हो चुका है साइड का लेयर जो बाहर आ चुका था, और जहाँ से ये अंदर है वहाँ पे हम इसे शिफ्ट कर लेंगे, लगा देंगे। सो ये चॉकलेट गनाश नीचे है इसलिए आराम से स्टिक हो जाता है। सो इस तरीके से ये अच्छी तरीके से लेवल भी हो जाता है, और क्योंकि इसे हिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक बार सेट करने के बाद, क्योंकि नीचे गनाश है चॉकलेट बहुत ठीक रहता है, सो अगर हम ज़्यादा उसको हिलाने गए तो ये टूट सकता है हमारा जो स्पॉन्ज है। सो ये एक सेकेंड बेटर ट्रिक रहती है, सो इसे कट करके जहाँ पे हमारा लेफ्ट ओवर स्पेस है वहाँ पे हमें फिल करना रहता है। सो इस तरीके से चलो मैंने अच्छे से फिल कर लिया है, एक बार मैं फिर से थोड़ा स्प्रे कर लूँगी इसे
सेट करने के लिए। सो ये हो चुका है सेट अच्छे से। अभी फिर से मैं सेम स्टेप रिपीट करूँगी, अराउंड 3 to 4 tablespoons हम इस पर चॉकलेट गनाश डाल लेंगे और सेम मेथड से इसे हल्के हाथ से हमें स्प्रेड कर लेना है। अभी हमने हमारा जो थर्ड लेयर है, लास्ट लेयर, वो इस पर सेट कर चुके हैं। तो ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, इसे कुछ कट बिट करने का साइड से ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी तरीके से बैठ चुका है। सो इसे अभी हम स्प्रे कर लेंगे। वाटर स्प्रे करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, स्पेशली अगर हम चॉकलेट स्पॉन्ज बना रहे हैं, क्योंकि इससे जो हमारा स्पॉन्ज है वो काफ़ी सॉफ्ट और टेस्ट में भी इसको इनहेंस हो जाता है ये। सो यहाँ पे अभी अच्छी तरीके से हो चुका है स्प्रे। अब ये जो मेरा साइड का बोर्ड है वो सबसे पहले मैं क्लीन कर लूँगी, ताकि जब अभी हम हमारा गनाश फिल करें तब ये जो क्रम्स नीचे गिर गए थे वो बीच बीच में आके इसका फिनिशिंग ना ख़राब कर ले। सो यहाँ पे अभी मैंने डाल दिया है गनाश, इसे हम सेम तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और इसी तरीके से हम जो नीचे के अभी साइड के गैप्स हैं वो भी फिल करते जाएंगे। आप चाहिए तो मैंने ये डायरेक्टली लिया हुआ है, स्पून से पोर किया हुआ है। अगर आप बिगनर हो या फिर आपको ट्रफल केक बनाते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप ये जो गनाश है चॉकलेट का वो आप पाइपिंग बैग में फिल करके भी ये कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा आसान रह जाता है हमारे गैप्स फिल करने के लिए और फिनिशिंग देने के लिए। सो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से मैंने पूरे साइड और ये अच्छे से कवर कर चुकी हूँ। अभी इसे हम रखेंगे फ्रिज में अराउंड 15 टू 20 मिनट सेट होने के लिए। यहाँ मैंने जो साइड कप जब पे पोर कर रही थी वो वीडियो ज़रा स्टॉप हो चुका था, सो इसलिए मैंने कर नहीं पाई हूँ रिकॉर्डिंग। सो अभी ये 15 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा जो क्रम्बल कोट था वो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने सेम गनाश को थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है कि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए और वो इस पर पोर कर लेंगे हम, ताकि इसको एक अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाए और ये अच्छी तरीके से पूरे सेट हो जाए। क्योंकि हमेशा जो ट्रफल केक होता है इसको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी या तो मेल्टिंग स्टेज पर चली जाती है या तो फिर जम जाती है, अकॉर्डिंग टू सीज़न चेंज होते रहता है उसका जो बिहेवियर रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद इसका शाइन बहुत अच्छा आता है और इसको सेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। सो यहाँ पे मैं अभी पैलेट नाइफ की फिनिशिंग दे रही हूँ, और जो मुझे अभी इसका जो साइड कॉर्नर है वो मुझे रफ में ही चाहिए, मुझे एकदम क्लीन नहीं करना है इसे, क्योंकि मुझे इसका इफ़ेक्ट अलग देना है। ये जो केक मैं बना रही हूँ ये मेरे ऑर्डर का केक है, सो जो इसकी डिज़ाइन है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट मैंने डाली हुई है। सो यहाँ पे व्हिप क्रीम का मैंने थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है, क्योंकि उनको डिज़ाइन इस तरीके की चाहिए थी। सो यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्टार नोज़ल से रोज़ से थोड़े से फ्लावर्स बना लिए हैं क्रॉस में। आप चाहिए तो ये टोटली पूरे गनाश में भी बना सकते हैं, हमारा गनाश तभी थोड़ा थीक होना चाहिए बहुत ज़्यादा, तो अच्छी तरीके से आपके फ्लावर्स निकल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको अभी डेकोरेट कर रही हूँ, जो चॉकलेट शॉट्स आते हैं वो मैंने लगा लिए हैं इस पर, और ये छोटे छोटे से मेरे पास चॉकलेट्स थे बनाए हुए वो भी मैंने इस पर ऐड कर लिए हैं। अभी मुझे इस पर देना है इसका गोल्डन इफेक्ट, तो ये गोल्डन डस्ट लिया है मैंने, इसे बस मैं गोल्डन डस्ट में टैप करके इसे हमें इन बॉल्स के ऊपर बस इस तरीके से टैप कर लेना है, तो इसका जो गोल्डन शाइन इफेक्ट है वो अच्छी तरीके से आ जाता है इस पर। ये टोटली इटेबल रहते हैं, इसे हमें हमेशा बेकर्स के यहाँ से ही लेना है, कोई भी स्टेशनरी शॉप वाला नहीं लेना है, क्योंकि वो इटेबल नहीं रहते हैं। और अभी इसमें मैंने लेमन जूस डाल के थोड़ा सा इसे लिक्विड फॉर्म में कर लिया है, और मैं ये गोल्डन इसके जो एजेस है उसे गोल्डन इफेक्ट दे रही हूँ। इसी वजह से मैंने इसका जो एजेस है वो मैंने क्लीन नहीं किए थे, उसे रफली मैंने रखा हुआ था, ताकि इसमें काफ़ी अच्छा दिखाई देता है ये लुक।
हो चुका है हमारा अभी ये। इस पे मैं डालूंगी लास्ट फिनिशिंग के लिए थोड़े से स्प्रिंकल्स, डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरीके से आपका केक डेकोरेट कर सकते हैं। सो रेडी है हमारे ये चॉकलेट ट्रफल एगलेस केक। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।